मिली थी एयरपोर्ट पे, तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं। सबके सामने आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब, ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25-30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है, हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं, रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जिस दिन फलक उनको उनकी माँ ने, वनिता शर्मा जी, आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलक नाथ उसको दरगाह पे लेकर गई, तो उस आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है। तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ, आप फादर हैं, तो मैं क्या करूंगी? मैं बैठी रहूंगी, बस मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि टुनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन